तो गाइस फाइनली नया मॉडल ही ले रहा तुम्हारा भाई। तो गाइस नए वाले में और भी पावर बढ़ गई है। तो गाइस नया लेना बेस्ट हमेशा नया मॉडल ही लेना चाहिए, ठीक है। गाइस 8,000 रुपये महंगा है वो। ये गाइस हमने को 155 का पड़ रहा था और गाइस नया मॉडल पड़ रहा है 161,000 का। तो फाइनली गाइस देख सकते हो इधर हमारे पास आ चुकी है गाइस 1,62,000 मान लो गाइस 1,62,000 की पड़ रही है गाइस। अपने को इतनी महंगी स्कूटी लेना गाइस अपने लिए बहुत बड़ी बिग डील है एक तरह से। बहुत तेरी अज्जू के घर के बाहर, काके के घर के बाहर लगा के जल्दी वहाँ से हटो, अज्जू को उठाएंगे जाके सबसे पहले। देखो पर्पल तो लेना नहीं, देखो ब्लैक ले सकते हैं या फिर चिट्टा, साफ सीधी गाल ये दोनों से देखो। पर गाइस जिस चीज़ पे दिल आ गया तुम्हारा भाई फिर ले लेता वो, समझ रहे हो कि मैं वाइट रिटर्न करा गाइस हमने। देखो अब दोनों साथ में खड़ी कितनी पैर लगेगी, देखो वन फ्रेम में एक गाइस KTM और एक स्कूटी में भी पावरफुल मशीन है गाइस। 1 से 1.5 महीने के अंदर गाइस अपने पास ओला होगी व्हाइट कलर में। तो गाइस सब्र का फल मीठा होता है। सो फाइनली गाइस यहाँ पे बुक करवा दी अपनी भाई, नया मॉडल ही ले रहे हैं फाइनली गाइस, देख सकते हो भाई पुराना मॉडल है। सो फाइनली गाइस इधर बुकिंग अमाउंट दे दिया, तो गाइस बुक करवा दिया हमने, मतलब डाउन पेमेंट दे दिया गाइस, मतलब बुकिंग अमाउंट नहीं गाइस बोल रहे हैं कि लॉन्च हो चुकी है तो कोई बुकिंग अमाउंट नहीं है, तो गाइस डायरेक्ट हमें पे करने पड़ेंगे। तो गाइस हमने डाउन पेमेंट दे दिया और गाइस ये देख रहे हो इधर एक और डिलीवरी चल रही है, तो गाइस खतरनाक है। तो गाइस मैं बता रहा था आपको कि गाइस इसमें और पुरानी वाली में जो मेजर डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो गाइस ये देख सकते हो फ्रंट व्हील है, जो इस फ्रंट व्हील में गाइस यहाँ पे डबल चोकर आ गए हैं। तो गाइस मतलब ये वाला भी बेस्ट था, पर काफ़ी हद तक मतलब लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है, पर गाइस कोई दिक्कत नहीं आती, पूरी दुनिया चला रही है। पर गाइस अब नए में आया तो वो बेस्ट ही है, इससे ज़्यादा पावरफुल है वो। और तो गाइस ये डिफरेंस आया। और गाइस ये जो यहाँ पे पैर रखने वाला है ये गाइस ये बोर्ड एकदम फ्लैट हो चुका है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पोस्टर में लगाई हुआ है, एकदम फ्लैट हो गया कि सामान वगैरह रखने के लिए इजी रहेगा अपने को, बेस्ट है। और गाइस ये जो पीछे भी शोकर है वो भी जो है देख सकते हो आप यहाँ पे, मतलब कि एक ही था इस साइड नहीं है और फ्रंट में भी नहीं है। तो गाइस देख सकते हो फ्रंट और बैक में दोनों यहाँ पे शोकर आ गए हैं। और गाइस अपनी जो पिकअप है वो बड़ा है और बैटरी का वेट कट है। और गाइस अपना पीछे की ये जो ग्रिप है गाइस मेरे को काफ़ी चीप लगती है, मतलब कि ये देख रहे हो पकड़ते में कहीं ज़्यादा मुड़ जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसे उठा के रख नहीं सकते। बाकी गाइस जो नया मॉडल है उसमें हम आराम से देख सकते हो गाइस, इस तरफ ये जो नए मॉडल पोस्टर में देख रखा है आपको, इधर ग्रिप बनती है ऐसे उठा के हम कहीं भी ऐसे करके रख सकते हैं। तो गाइस ये अपना नया मॉडल में भाई इजी रहेगा अपने को, बेस्ट है गाइस। नए मॉडल में काफ़ी फीचर है, काफ़ी एडवांस है, तो गाइस इसलिए हमने नया मॉडल ही बुक करा दिया। गाइस विद इन 1 से 1.5 महीने के अंदर अपने पास नया मॉडल आ जाएगा गाइस, फुल पावर सीन होने वाले फिर तो गाइस, देख सकते हो आप। क्या बोलते हैं सागर, कलर कौन सा लेगा? गाइस बोल रहे कि पुराने मॉडल में तो गाइस हमने सोचा था कि वाइट तो गाइस कॉमन है, मैं लेता नहीं, ब्लैक गाइस मेरे को पसंद है, लेकिन ब्लैक ना ऐसा था ओला पे इतना जच नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कोई नॉर्मल सी स्कूटी है, तो मेरे को रेड ही पसंद आया था। तो सागर क्या बोलता है उसमें, तो बोल रहा है चमकीले कलर खत्म हो गए, रेड वेड है नहीं, क्या बोलता है फिर कौन सा कलर लेगा? फिर तो वाइट या ब्लैक में से ही देख लेंगे यार सागर। तो गाइस फाइनली नया मॉडल ही ले रहा तुम्हारा, चलो अभी जो दिखाएगा हमें उसी में से चूज़ करना पड़ेगा। सागर इसकी क्वालिटी देख कितनी चीप है भाई, तू इसे उठा के रख नहीं सकता, ये देख पूरा भाई हिल जाता है यार, तू इसे उठा के रख सकता क्या है ये? बाकी नए मॉडल में कितना बेस्ट है। और बाकी क्या कहते हैं कलर अभी देखते हैं क्या रहता है सीन। तो गाइस फाइनली हमने नया मॉडल ही लिया, हम सोच रहे थे गाइस हमें थोड़ा जल्दी था मेरे को लेने की, तो गाइस मैं सोच रहा था कि पुराने ही ले दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पुराने ही ले लूँगा, ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं है। पर गाइस हाँ बहुत सारा डिफरेंस है अगर देखा जाए तो, क्योंकि जब से ओला आई गाइस जब से इनका अपडेट नहीं आया, तो गाइस इन्होंने फर्स्ट अपडेट निकाला, तो गाइस सोचो कुछ तो निकाला होगा ना, कुछ तो चीज़ें चेंज करी होंगी, बल्कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी चेंज होगी जो बाद में रिलाइज होगी। इसलिए गाइस हमने 1.5 महीने 2 महीने की वेटिंग करना सही समझा। और गाइस बाकी स्पीकर वगैरह लगे, अब फुल पावर मज़ा आएगा इसमें, गाने वाने सुनते हैं चलेंगे। और गाइस पावर तो मेरे को बहुत ही प्यारी लगी स्कूटी की, डिग्गी बहुत अच्छा मतलब स्पेस है इसके अंदर। और गाइस पावर, गाइस जो पावर से हमें प्यार है सागर, पावर बहुत ज़्यादा, मैं तो इसमें ही पागल हो गया था, तो सोच सकता है स्कूटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा पावर थी, मैं कह रहा हूँ मैं इसी में बहुत खुश हो गया था। तो सोच के देख जब वो वाली में इससे भी ज़्यादा पावर बढ़ गई है, नए वाले में कह रहा हूँ और भी ज़्यादा पावर बढ़ गई है भाई, मैं तो लेके पड़ जाऊँगा। तो गाइस नए वाले में और भी पावर बढ़ गई है। तो गाइस नया लेना बेस्ट हमेशा नया मॉडल ही लेना चाहिए, ठीक है। गाइस 8,000 रुपये महंगा है वो। ये गाइस हमने को 1,55 का पड़ रहा था, 1,55 का गाइस ये नया मॉडल पड़ रहा, पुराना मॉडल पड़ रहा था हमें, और गाइस नया मॉडल पड़ रहा है 161,000 का, और ये पड़ रहा था 1,54,000 का। तो गाइस देख सकते हो आप, तो गाइस 7,000 रुपये कुछ का, 8,000 रुपये का कुछ डिफरेंस था। बट गाइस अपने को ये है ना कि नए मॉडल में काफ़ी सारी ऑप्शन, काफ़ी सारी चीज़ें जो चेंज हुई हैं, तो गाइस अपने को नया लेना ही बनता है, इसलिए हमने नया ही बुक करा दिया 1 से 1.5 महीने के बाद। सागर तो गेड़ी मारा करेंगे फुल पूरा दिन। और गाइस सागर तू पावर देख के ना पागल हो जाएगा, कसम से बता रहा हूँ, मैंने चलाई ना वो तो मेरे साथ गया था, तो बहुत ज़्यादा है, मतलब यूँ मान ले तो सीधे अक्षरों में स्कूटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है भाई, पड़ जाएगी इतनी स्पीड में, समझ रहा है, स्कूटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, 120 यूँ चली जाती है 100 पार। तो
हाइपर मोड में तो व्हीली सी मार देती है एकदम झटका था, पीछे वाला बंदा गिर जाए खतरनाक है। तो गाइस देख रहे हो इसके ऊपर भी जच रही है भाई, ये भी लेने वाला है थोड़े दिनों में। तो गाइस ये लगी अपनी खतरनाक, देख सकते हो गाइस क्या मोस्टर लगा रखा हमने भाई यहाँ पे है। हॉर्न वो वैसे नॉर्मल वाला चल रहा था जिसमें दिया हुआ है, जो स्पीकर से बचता है वो कह रहा वो सेट करना पड़ता ना वो ऐड करके। तो गाइस ये देख सकते हो इधर हमारा मॉन्स्टर लगा हुआ है गाइस, ये केरा मॉन्स्टर, और गाइस इधर लगी हुई है पापा की गाइस, वो सबसे हमारा प्यार है, सबसे पहली बाइक हमारी वही थी। तो देख सकते हो गाइस इधर पापा की बाइक लगी हुई है, अभी करवाते हैं सिस्टम और गाइस चलते हैं। तो गाइस देख रहे हो इस फोन से बोल रहा बाइक की फोटो खींच लो यार। सागर किस लगा कैप्सूल खा खुली अगर इसे तो गुम कर दूं मैं तुझे। गाइस इसका फोन चेक करो, फोन चेक करो गाइस इसका खतरनाक सीन है गाइस। तो फाइनली गाइस देख सकते हो इधर हमारे पास आ चुकी है गाइस, ये हमने करी है डाउन पेमेंट, आप देख सकते हो 34,000 के आसपास, 33,950 और गाइस हमारी 1,62 मान लो गाइस 1,62,000 की पड़ रही है गाइस। अपने को इतनी महंगी स्कूटी लेना गाइस अपने लिए बहुत बड़ी बिग डील है एक तरह से, पर गाइस जिस चीज़ पे दिल लगा के तुम्हारा भाई फिर ले लेता वो, समझ रहे हो गाइस। देखो अब दोनों साथ में खड़ी कितनी प्यारी लगेगी, देखो वन फ्रेम में एक गाइस की ATM और एक स्कूटी में भी पावरफुल मशीन है गाइस, इतनी टॉप स्पीड गाइस समझते हो, स्कूटी के लिए बहुत बड़ी बात है 120। तो दोनों का फ्रेम देखो कितना अच्छा लग रहा है। ओ भाई सागर फ्रेम खराब कर रहे, तो फ्रेम से हट दोनों का फ्रेम। सागर बता अपने पास दोनों खड़ी होंगी कितनी प्यारी लगेंगी, अब दोनों का फ्रेम कितना कातिल लग रहा है भाई, खतरनाक गाइस दोनों खड़ी होंगी साथ में अब थोड़े दिनों में, थोड़े महीनों में। नई की डिलीवरी हुई है गई, क्या बात है भाई ने पुराना मॉडल ही ले लिया, क्या बात है। तो भाई देख सकते हो इधर भी डिलीवरी चल रही है, कलर दिखा दो आप एक बार, वो भी कलर देख रहे हैं। देखो पर्पल तो लेना नहीं, दूसरा दबाओ नीला, ये आपका मिडनाइट ब्लू है नहीं, ये भी नहीं चाहिए इतना डार्क, नहीं चाहिए दिखाई ना, ये आपका जेड ब्लैक है। देखो ब्लैक ले सकते हैं या फिर चिट्टा साफ सीधी गाल, ये दोनों तो देखो मैट, ये मैट में आता है ठीक है, नीला ना देखो चिट्टा या काला, देखो काला ले लो या चिट्टा ले लो, मैं तो कह रहा हूँ चिट्टा सही है। देखो काला ना हमें लगता नॉर्मल जहा लगती नहीं, जैसे मतलब अपनी कोई स्कूटी है ना, तो फिर तुसी देखो जेड़ा लेना है, पर्पल पुरपल देखो लेने नहीं, देखो कह रहे हैं किधर वो लाल है, अच्छा यही कलर भाई दिखा रहे हैं अपना, वो फिर छोटा मॉडल होएगा S1 होएगा खाली। सागर ऑरेंज मिल जाए तो मजा आ जाए, मेरा तो फेवरेट है ऑरेंज, KTM की मैचिंग हो जाएगी। ये लगा गाइस देख सकते हो वाइट कलर यहाँ पे नहीं पड़े हैं गाइस, पुराना अगर हम लेते हैं Gen 1 तो गाइस ये Gen 1 का देख सकते हो वाइट कलर पड़ा हुआ है यहाँ पे, और गाइस ये रेड कलर भी पड़ा हुआ है यहाँ पे देख सकते हो, पूरी नहीं है गाइस ये। कैसे हमने पर Gen 1 ले नहीं, हम लेते हैं गाइस खतरनाक चीज़ है टॉप मॉडल। और आप ये देख सकते हो इधर ये लगी हुई अपनी ब्लू, डार्क ब्लू जो जिसकी डिलीवरी हुई अभी डार्क ब्लू की, यार बंदे ने डार्क ब्लू लिया गाइस, इससे बड़े तो ब्लैक ही ले लेते यार। तो गाइस देख सकते हो ये ब्लैक भी लगा हुआ इधर, और ये रेड और वो वाइट गाइस, ये आपका देखो काला भी वैसे वधिया लग रहा है कहाँ पे ग्लोसी खड़ा है, रेड वाला ये वाला, ये वो नहीं होते ब्लू है, नहीं नहीं वो भी सेम हो जाए, ये जो चिट्टा वो मैट है, हाँ यह हो जाए, हाँ चिट्टा हो जाए मैट वाला। देखो काला भी बढ़िया लग रहा है वैसे तो, पर तू अगर चिट्टा ही सही लग रहा है चिट्टा ही ले लेने, कोई दिक्कत नहीं, कहड़ा सही लग रहा है तुम्हें भी खुद दसो लेकिन साडा जो वाइट है वो ये वाला नहीं है, साडा वाइट ये वाला नहीं है, साडा मैट वाला है। अच्छा कुछ नहीं चिपकाया चुपकाया, देखो ये है काला पूरा देख लो, हाँ पर देखो काला वधिया रेपर है ना, ये नॉर्मल जी लग रही है ना, चिट्टा ही ले लिया फिर, वैसे मेरा तो काला फेवरेट है, हाँ काला बड़े लुगा कोल है, हाँ तो फिर चिट्टा ही ले लिया फिर, चलो चिट्टा ही सही है फिर। तो फाइनली गाइस ये देख सकते हो वाइट भी लगी हुई है, वाइट में कुछ ऐसी मिलेगी सागर, सही है वाइट में ना अलग से डिस्प्ले दिखती रहेगा ना, हाँ चिट्टी सही है देख लो, देखो सामने खड़ी दोनों काली से चिट्टी, दोनों फर्क देख लो चिट्टी ना, हाँ ठीक है। तो मैट ज़्यादा वधिया रहता है कलर, मेरी बाइक का मैट है वाइट, रिटर्न करा गाइस हमने,
हाँ सही है वाइट। इधर से बता सागर तेरे को सही बताइयो, देख ब्लैक ना नॉर्मल सा लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि कोई खासी चीज़ खड़ी है, सच बताइयो ठीक है। रेड भी बढ़िया लग रहा है, पर वो तुम्हारे ऑप्शन मैंने तो हटा दे। ब्लैक और वाइट के कंपेयर में देख तो वाइट लग रहा है कि खड़ी है कोई चीज़, ठीक है ऐसा लग रहा है नॉर्मल सी कोई चीज़ खड़ी है ना। ओला की लुक्स भी नहीं आ रही है उसमें, सारी ढक दी, उसमें स्क्रीन इतनी बड़ी लगती ब्लैक में दिख रही है, उसमें पता नहीं लग रहा पूरी स्कूटी ब्लैक है क्योंकि है ना, तो वही बेस्ट है मेरे हिसाब से ना। सही है, ऑरेंज वाला मिल जाता तो गाइस मज़े ही आ जाते, ऑरेंज वाला स्कूटी के मैच का हो जाता इंस्टेंट। अबे लगते हैं इससे भी यार, खतरनाक चीज़ है, हल्के में ले रहा हो तू, तगड़ी चीज़ है। फाइनली गाइस हमने ब्लैक छोड़ के, ब्लैक में आप देख सकते हो इतनी नॉर्मल सी लग रही है, तो हमने वाइट ही डन करा है, तो गाइस वाइट आ जाएगी एक से डेढ़ महीने के अंदर, गाइस अपने पास ओला होगी वाइट कलर में। तो गाइस सबर का फल मीठा होता है, इसलिए हमने भाई अगर क्या बोलता है तेरे को अफसोस है कि हम डेढ़ महीने बाद ले रहे, आज डिलीवरी नहीं ले रहे, उस बंदे ने खातों हाथ ले लिया, अभी हम भी ले सकते थे। और यही ये सुन, ये ले सकते थे, ये वाला लाल कलर मेरा फेवरेट लाल परी, क्या बोलता है? तो तेरे को अफसोस है इस चीज़ का कि मैं यही वाली लेके जाता गाइस, अभी अगर मैं जनरेशन वन पुराना वाला मॉडल लेता, जो मतलब कि जो नया मॉडल आया वो ना लेके, अपना S1 प्रो मॉडल ये वाला जेन 1 लेता, तो मेरे को यही रेड मिलता। तो सागर बता, अफसोस है हम डेढ़ महीने बाद ले रहे हैं, आज ना ले रहे हैं, हैं इससे ज़्यादा अच्छा लेंगे हम। हाँ 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 सबर का फल मीठा है। तो गाइस लाल परी तो नहीं आई, वाइट परी आ गई, चलो कोई नहीं। कि ना ना हेलमेट क्यों करना है बुक, मना करो। ओ वाह आइयो सागर आइयो। तो फाइनली गाइस इसमें गाने भी बजते हैं भाई, इतनी तगड़ी आवाज़ है, दूर दूर तक आ रही है आवाज़ गाने की। है सागर गाने की आवाज़ भी सही है यार, फ़ोरन नहीं लगा देते स्पीकर वाला, वो यू मोबाइल में यूट्यूब से कनेक्ट करके यूट्यूब पे ही चला लेते हैं वो। अच्छा कहते हैं हट जा साइड हट जा। हाँ हाँ वही वाला आगे से हटो, यूट्यूब पे ही चला लेते हैं। अच्छा वो हॉर्न से नहीं चलता, मतलब वो ऐसे मोबाइल से दबा के चला के वो स्पीकर चालू कर देते। अच्छा ब्लूटूथ कनेक्ट होता होगा वो, बहुत लेके बहुत लोग लेके घूम रहे हैं यहाँ पे, अब बहुत होगी है। एक ना 16 महीने हो गया लाइव जब समय नहीं है मास्टर रानी बात से लिया। अच्छा भाई ये फुल आवाज है जो चल रही है, गाना इनका ऐसा है ना दूसरे गाने पे तेज है। अच्छा दिखाइए सागर कैसे हेलमेट। तो गाइस देख सकते हो ऐसे हेलमेट मिलेंगे इसके साथ, जो कि एकदम फुद्दू से लग रहे हैं, बेकार से एकदम पागल, इसमें तो लगेगा क्या बंदा पहन के यार, देखना बेकार से कौन पहनते हैं इन्हें, मधुमक्खी वाले हेलमेट कहता हूँ कभी ये मैं, देखो बेकार लग रहा है। पहनी सागर एक बार पहन के देखा कैसा लगता है मधुमक्खी वाले हेलमेट, पहन 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 इसे खोल तो ले, चल 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 चल। अबे ना ना ये सही कर, अब कर यहाँ से ऐसे ये चीज। तो गाइस देख सकते हो कितना डेंजर लग रहा है गाइस, ये लड़के वाले हेलमेट है इन्हें यार मतलब कि पहन के यार क्या सेफ्टी है बता सागर, नीचे से तो पूरा खुला है, बंदे का पूरा थोबड़ा तो एक बार लग गया नीचे पूरा फूट जाएगा। तभी गाइस हमने हेलमेट तो कैंसिल करवा दिया, 750 रुपये ले रहे थे, कौन सा फ्री में देते हैं अभी सागर सिस्टम है। तो फाइनली गाइस सारा कुछ काम हमारा हो चुका है, बस पेमेंट भी दे दी, तो गाइस निकल रहे अब घर पे। ये मतलब 6.5 घंटे में चार्ज करता है ना, और नई वाली को भी इतने में कोई फ़र्क है 6 घंटे ही। तो अच्छा जैसे चार्जर वगैरह कभी ख़राब हो जाता है तो मिल जाता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो नए वाले मॉडल में आ रही है ईयरबड? हाँ मैंने देखा लोग पूरे पानी में लुटा देते हैं, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं होता बारिश में, सही है यार सागर, बारिश में लुटा दिया बंदों ने, मैंने देखा लोग में। स्पीकर चला के दिखाना सागर, वो लगाना है मेरे को इसमें, आगे से हटो जल्दी से हटो साइड हटो वो तो हमारे पास सेव है, उसे तो डाउनलोड करना पड़ेगा। हैं हाँ काके के घर के पास अपनी खुद की वॉइस रिकॉर्ड करेंगे वो, काका काके पा हाँ बिना किसी नेट के, कैसे ये कैसे पॉसिबल है? और उसका रिचार्ज कौन करवाता है? ये क्या सीन है? मतलब पर इसे नेविगेशन के अलावा यूट्यूब वीडियो कुछ नहीं चलेगी? नेविगेशन के लिए दिया है। अच्छा मैप के लिए दिया है, मैप आप स्क्रीन पर चालू कर सकते हो, फोन पकड़े रखने की जरूरत नहीं। अच्छा मतलब 3 साल के लिए चलता रहे, 3 साल के बाद फिर 3 साल के बाद आप इसको साल भर के लिए रिचार्ज करवा सकते हो। कितने का? 699 साल। अच्छा मैप के लिए सिर्फ, मतलब ट्रैक नहीं कर सकते? ट्रैक कर सकते कहाँ जा रही है अभी, कहाँ खड़ी है, किसी दोस्त को दिया तो आप ट्रैक कर सकते हो। चलो बेस्ट है, 3 साल के लिए तो फ्री है खैर बंदे लगाते हैं यार, बड़ा मजा आ जाता है। साइड हटो, आगे से हटो, जल्दी वहां से हटो। बहुत तेरी ओ भाई साहब ये सही है सागर, सागर हाँ अज्जू के घर के बाहर, काके के घर के बाहर लगा के जल्दी वहां से हटो, अज्जू को उठाएंगे जाके सबसे पहले। सही है सागर, बढ़िया चीज़ है, फोन भी आते हैं भाई, गाने चल रहे हैं, बोल पा रहे हो कॉपीराइट आएगा वे। तो फाइनली गाइस इतना काम कंप्लीट हो चुका है, तो भैया मिलते हैं, तो कब तक हो जाएगी भैया? अक्टूबर तक हो जाएगी फर्स्ट। तो आज क्या तारीख हो रही है? 21 तारीख हो रही है, तो कितने मतलब महीनों बाद, कम से कम कितने दिनों बाद? 2 महीने बाद।
तो 2 महीने बाद तक मिल जाएगी। तो सारा प्रोसेस होने में थोड़ा देर लग गया, आपको मज़ा आ रहा है भैया, गर्मी हो रही है, इसलिए बारह महीने बाद। तो गाइस काम सारा हमारा कंप्लीट हो गया, अगले महीने आएंगे 1.5-2 महीने बाद गाइस सीधा डिलीवरी लेने। आप चेक कर सकते हो इधर लगी अपनी ओला, गाइस हमारे पास भी होगी नए मॉडल में। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक कर देना। अब मिलते हैं आपसे गाइस डिलीवरी वाली वीडियो में, जब तक लोग तो अपने आते रहेंगे, तो बाय बाय गाइस।